प्रेरणा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। अब मेरा मूड इतना अच्छा है कि तुमसे खराब नहीं कर सकती। बात जरूरी थी इसलिए तो मैं कॉल कर रहा हूँ। क्या कॉल आया? उसने बर्थडे पार्टी में बुलाया है, लेट नहीं होना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बात सुने बिना ही फोन काटती है। क्या जरूरी काम कर रही है? सो सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? फुर्सत मिल गई तुम्हें? फुर्सत मिल गई, आराम से आ गई। चलो फुर्ती दिखाओ और फटाफट से तैयार हो जाओ, निकलना है हमें। कहाँ? की बर्थडे पार्टी है, उसमें हम सबको बुलाया है। मुझे भी, सभी। मैं भी। हेलो रंजन, तूने किसी लोन के लिए अप्लाई किया है क्या? वो बैंक मैनेजर का फोन आया था। भाई कौन से लोन की बात कर रही थी? हाँ ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, क्या कहा था आपको ये सब के बारे में? आपको हाँ जानता हूँ, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुना, टाइम नहीं मेरे पास। वैसे तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे एक हिचकिच नहीं थी इसलिए आपको बता दूँ। स्कूल में थी और काम में बिजी थी। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। सारी औरतें एक जैसी होती, जो बात उन्हें बतानी होती है खुशी खुशी बता देती हैं, लेकिन जो बात उन्हें नहीं बतानी होती वो आने उनसे नहीं जान सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीविजन में। आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में के आने वाले दिलचस्प एपिसोड के बारे में, जहां कियान अपने जन्मदिन पर रजत को बुलाने वाला है। लेकिन ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो अर्ज ने रची है, और आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कियान अपने जन्मदिन की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस बार का जन्मदिन उसके लिए बेहद खास नहीं होगा। दरअसल अर्ज जो हमेशा से कियान के खिलाफ साजिशें करता रहा है, इस बार कियान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, अर्ज ने कियान को समझाया कि रजत उसका पिता, उसकी माँ और उसकी बहन, यानी कि सही उसकी कोई भी परवाह नहीं करते। अर्ज की बातें सुनकर कियान बेहद दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अगर उसका पिता उससे दूर है तो क्यों ना उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया जाए। कियान अपने दिल की बात सोचते हुए रजत को फोन करता है। वो रजत को अपने जन्मदिन पर आने के लिए कहता है और साथ ही पूरे परिवार को भी आमंत्रित करता है। कियान का ये कदम अर्ज के इशारों पर चलने जैसा है। वो चाहता है कि रजत को उसकी बेइज्जती का सामना करना पड़े। अब कियान के जन्मदिन पर क्या होगा? पूरे परिवार का आना तो तय है, लेकिन क्या सही आएगी? ये सवाल सबके मन में घूम रहा है। जन्मदिन का दिन आ गया है, कियान अपने दोस्तों और परिवार का इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही उस जन्मदिन पर नहीं आएगी? कियान के मन में अर्श के दुष्प्रभाव से भरे हुए ख्याल हैं। जब रजत वहां पहुंचता है तो कियान उसे सामने देखकर अपने इमोशंस में काबू नहीं रख पाता। कियान अर्श के कहने पर रजत की बेइज्जती करता है। वो रजत को ये बताता है कि उसने कभी भी उसके परवाह नहीं की और ये सब कुछ अर्श के कहने पर हो रहा है। अब रजत की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो कियान को समझाएगा या फिर वो इस बेइज्जती को सहन करेगा? दोस्तों, इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कियान का संघर्ष, उसकी भावनाएं और परिवार के बीच का ड्रामा। क्या कियान समझ पाएगा कि यश उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और क्या रजत इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस एपिसोड को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।